खरगोन जिले में किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन की बात पर फसल सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए गए। डीजीएम नाबार्ड के वी प्रसाद, वैज्ञानिक डॉक्टर जी एस कुलमी आदि सहित किसान और समूह के लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि फिलहाल जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, ऐसे में शासन की मंशा अनुरूप नाबार्ड के अंतर्गत शहर के निजी होटल में कार्यशाला हुई। इसमें जिले सहित भोपाल से पधारे वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की बात पर फसल सुरक्षा और खेती की अन्य समस्याओं से निजात पाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि सूझबूझ के साथ फसल का रखरखाव करके उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इन रिजिलेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। फास्ट कंडीशन स्पेशली हार्टिकल्चर क्रॉप्स में फास्ट कंडीशन अगर होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी हार्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल्स वगैरह। तो उसके लिए क्या है कि हमें एडवांसमेंट ऑफ सोइंग टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। सोइंग टाइम को एडवांसमेंट करके हम उस कंडीशन को, ओल्ड वेज को, फास्ट कंडीशन को स्केप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे थाई यूरिया जैसे केमिकल है, थाई यूरिया का अगर 0.5% अगर स्प्रे करते हैं फ्लावरिंग कंडीशन में, सीड डेवलपमेंट कंडीशन में, तो हम फास्ट को स्केप कर सकते हैं, सीड लहर को हम स्केप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये क्लाइमेट चेंज को ओवरकम कर पाएंगे। पशुपालन में भी इसी तरह का है। पशुपालन में भी जो उनका जो फीड मैनेजमेंट है, फॉडर मैनेजमेंट है, मिनरल मिक्सचर है, उनमें डीवर्मिंग है, ये सब चीज़ें भी बेहतर न्यूट्रिशन है, उनका डिजीज मैनेजमेंट है, ये सब अगर हम करेंगे टाइमली तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। और शेल्टर फ्रॉम दी कोल्ड वेव से और हॉट वेव से अगर उनका करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें करना पड़ेगी। मछली पालन के क्षेत्र में भी हमें जो फार्म वर्ल्ड है उनको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं है तो मछली का उत्पादन यदि अफेक्ट होगा तो उसका फीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और फार्म पोर्ट मैनेजमेंट, ये सब करते हुए हम मछली उत्पादन को भी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से नाबार्ड डीडीएम खरगोन से हूँ, और आज की जो कार्यशाला रखी गई थी ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में रखी गई थी, और इसमें हमारी समूहों की महिलाएं हैं और हमारे जो कार्बन प्रोड्यूसर कंपनीज है उनके मेंबर्स, और हमारे खास करके जहाँ पे वाड़ी और वाटरशेड के हमारे काम चलते हैं, प्रोजेक्ट चल रहे, तो इसमें से आज लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके साथ हम लोगों को जो बदलाव करने हैं, खास करके जैसे हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा तापमान होता है और उस तापमान के साथ में हम लोग किस तरह से बीज या बाकी जो तकनीक है उसका कैसा इस्तेमाल करें, खास करके दूसरा जो चीज़ है ड्रॉट पोन हमारा एरिया होता है, कभी ड्रॉट होता है तो कभी बहुत सारा सूखा पड़ता है तो कभी तापमान ज़्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे किसानों को आगे उसका उनका उत्पादन बढ़ पाए, और कौन सी ऐसी जो वेराइटीज़ है, कौन सी ऐसी तकनीक है उसका कैसा इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए आज का ये वर्कशॉप रखा गया था। और लोगों ने काफ़ी अच्छा इस वर्कशॉप को समझा है और आगे उनको इस वर्कशॉप का ज़रूर फायदा होगा। इसमें सर पशु चिकित्सा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी विभागों को भी इसमें बुलाया गया था। इनको बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग जो काम करते हैं ज़िले में ये सभी विभाग मिलकर सब काम करते हैं, क्योंकि अकेला विभाग की योजना से काम नहीं होगा, जितनी भी योजनाएं हैं सभी विभागों की है, गवर्नमेंट की है, उनको कैसे एक साथ एक मंच पर ला के उन सभी योजनाओं का हमारे किसानों को कैसा लाभ होगा, और इस मद्देनज़र हम सभी को बुला के उनके तरफ से किसानों को मार्गदर्शन किया गया। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम ए सी रामटेक है, मैं डीडीएम नाबार्ड खरगोन से। आयोजन किया गया जिले भर के, इसमें किसान महिलाएं और इसमें शामिल हुए, क्या उद्देश्य सर इसको लेकर? आज का कार्यशाला का मेन उद्देश्य ये है कि अभी जलवायु परिवर्तन जो भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हम बता रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसको उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कैसा अडाप्टेशन करना है, कैसा मिटिगेशन मेजर्स जो भी है, हमारा खेती में जो भी काम करना है या पशुओं के साथ में जो भी व्यवहार करना है उसको क्या क्या करना है, इसको थोड़ा सोचने के लिए, और इसको कैसा बचाना है, हमारा प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा वैसा ही रखना है या ज़्यादा बढ़ाना है, इसका एक चर्चा के लिए आज कार्यशाला रखा है। और एक उद्देश्य भी है आज कार्यशाला रखने का उद्देश्य, किसान भाई हैं, आया है, महिला आया है, हमारा FPO का मेंबर्स भी आया है, ये सबको मिलके थोड़ा अवेयरनेस करना है इसके बारे में। अवेयरनेस करने के बाद वो खुद भी कर सकता है उसका गांव में, और चार लोगों को ये बता भी सकता है कि ये काम करने से
क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट को, क्लाइमेट चेंज तो हम छोटे तरफ से रोक नहीं सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट को हमारे ऊपर कम कैसा कर सकता है, इस ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित किया है हम। सर जैसे उन्नत खेती सर की जाती है अभी वर्तमान में, अब उन्नत खेती की ओर किसान अग्रसर है, तो उसके लिए सर कितना प्रयास करेंगे सर नाबार्ड द्वारा? हाईटेक एग्रीकल्चर उन्नत खेती जो है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।